दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर से मुस्लिम हज करने मक्का शहर जाते हैं और हज करने के बाद वे वहाँ से कुएं का जमजम पानी भी लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का शहर के कुएं से निकलने वाला पानी न केवल चमत्कारी बल्कि इतना रहस्यमय, इसने दुनिया के तमाम विशेषज्ञों को हिला रखा है। कुएं का वाटर लेवल कम हुआ है। दोस्तों, इस कुएं की कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है। हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बेगम हाजरा और पुत्र हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे। पुत्र इस्माइल को प्यास लगी, लेकिन रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का निशान नहीं था। मासूम इस्माइल प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बाद में यहां पर एक कुएं को बनाया गया, जिससे जमजम पानी कुएं के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहां पर मुस्लिम इस पानी को दोस्तों जहां पर मुस्लिम इस पानी को शुद्ध और पवित्र मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस कुएं के पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। और यही कारण था कि 40 साल पहले इस पानी का निरीक्षण किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि साल 1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन टैप में ये लिखा था कि मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा है, क्योंकि मक्का शहर समुद्री तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते रहते हैं। दोस्तों, मिस्र के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ कि इसे सैंपल के लिए यूरोपियन लैब में भेजा गया। लेकिन दोस्तों, जो आंकड़े इस पानी की टेस्टिंग के बाद आए, इससे पूरी दुनिया हिल गई। दरअसल रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि जमजम का पानी किसी रहस्य से कम नहीं। दोस्तों, आगे इस रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें इतनी गंदगी आने के बाद भी यह पानी इंसान के लिए फायदेमंद है। दरअसल इस पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की वजह से यदि इस पानी को कोई कमज़ोर से कमज़ोर भी पीता है, तो वह अपने आप को उजवान और तरोताज़ा समझने लगता है। साथ ही जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह कार्य करता है। इस पूरी ही रिपोर्ट ने मिस्र के डॉक्टर का जमजम के पानी के बारे में फैलाए गए झूठ गलत साबित कर दिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने कई सालों तक इस कुएं पर रिसर्च की, लेकिन आज तक कोई भी मैजिशियन यह नहीं बता पाया कि मरुस्थल के ठीक बीचों बीच इस कुएं में इतना पानी आता कहां से है। हिला देने वाली बात तो यह है कि ज़रूरत पड़ने पर इस कुएं से बेहिसाब पानी निकाला कैसे जाता है, और ऐसा आज से नहीं सदियों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इस कुएं का पानी आता कहाँ से है, इसका जवाब किसी भी विशेषज्ञ के पास नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।
और इस्लामिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।